जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में बड़ी दफ़ा आपसे बात हुई है और आप जानते भी हैं कि ऐसी रियासत एस्वाइल स्टेट आज तो यूनियन टेरिटरी है, ऐसी रियासत ऐसी अद्भुत रियासत इस धरती पर और कोई नहीं जो हमारी है। किन कारणों के कारण हम कह सकते हैं वो मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है। और हमारे जम्मू में गजब की हेरिटेज है जिसको बचाना, अगली जनरेशन के लिए बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी बार बार हमने बात की। आज ऐसी ही एक अद्भुत और हेरिटेज के बारे में आपके साथ मैं बात करने जा रहा हूँ। डोगरा सदस्य सभा में इसके बारे में बड़ी लंबी डिस्कशंस हुई हैं, बड़ी एक्सरसाइज हुई है, हमने पद यात्रा भी की है, देखा भी है जिस जाकर, वो है रणबीर कैनाल। आप सब जानते हैं रणबीर कैनाल जिसकी लंबाई 60 किलोमीटर है, 234 नहीं आप तो 300 से ज़्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं और चिनाब दरिया से निकलती है। और ये भी यूनिक चीज़ है, इस ज़मीन पर, इस धरती पर ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। उसके कारण क्या है शायद आपने पूरा गौर से उसको जानने की कोशिश आज तक नहीं की। एक तो ये है कि इसमें जो पानी है ये डायरेक्ट हिमालयन ग्लेशियर से आता है और ये बर्फ वाला पानी है और इसमें ये फुल ऑफ मिनरल्स है और इसी का कारण है कि यहाँ से लेकर आरएसपुरा के उस बॉर्डर तक, ये सारी अरनिया के उस बॉर्डर तक, यहाँ तक ये नहर जाती है, वहाँ की बासमती, वहाँ की फसलें, उनका स्वाद, उनकी खुशबू और होती है, वो देन है इस नहर की। और फिर ये सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का काम करती थी, आज भी पूरे जम्मू की पब्लिक के लिए। और पार्टीशन के पहले यहाँ सियालकोट तक के लोग यहाँ आते थे, आपको पता है जहरी कैन में पानी भर के यहाँ लगा देते थे, फ्रूट लगा देते थे, खरबूजे वगैरह, तरबूज वगैरह, आम वगैरह, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को ठंडा फ्रूट खिलाने, ये सब काम इस नहर का। और इसके साथ साथ इसके ऊपर पहला जो पावर हाइडल प्रोजेक्ट बना, आपने देखा जो यहाँ पर पावर हाउस बना हुआ है नहर के ऊपर, ये बना जहाँ 1 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा होने लगी और शहर में बिजली आई। ये हेरिटेज है, गजब का हेरिटेज। और आज इसको बचाना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ऐसी चीज़ मिटने के बाद कहीं दिखाई नहीं देगी। ये हेरिटेज है तो आज हम मांग करने जा रहे हैं आपके ज़रिए गवर्नमेंट से कि यहाँ पर ये 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं लेकिन ये भी ध्यान उनका दिलाना चाहते हैं कि अगर वडोदरा के अंदर, गुजरात के अंदर जो नहर है वो ऐसी नहर नहीं है, आम नहर है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया है 6 किलोमीटर उस नहर के ऊपर ये सोलर पैनल लगा के बिजली पैदा कर रहे हैं, 10 मेगावाट बिजली पैदा वहाँ हो रही है, ज़मीन भी नहीं छेड़ी और पानी में एवापोरेशन जो होती है वो पानी में बच गया और नहर के ऊपर जो सोलर पैनल लगाए हैं उससे बिजली पैदा हो रही है, लोगों को मिल रही है। इस नहर पर भी हम ये मांग करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वो स्कीम यहाँ भी लाओ। ये इस नहर पर आप सोलर पैनल लगाओगे दो चीज़ें होने वाली, एक तो इस नहर की पूरी खूबसूरती बन जाएगी, दूसरे इसके किनारे बच जाएंगे और तीसरा इससे बिजली पैदा जो होगी यहाँ जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और आपको मुफ्त में ये सब मिलेगा। और अगली बात ये कहना चाहते हैं कि इसके किनारे आप देख रहे हो कहीं पर मंदिर है, कहीं का देरी कोई बनी हुई है, कहीं समाधि बनी हुई है, ये किनारे उसके लिए नहीं है, ये किनारे ग्रीन बेल्ट बनाने की ज़रूरत है, यहाँ पर पार्क बनाने की ज़रूरत है क्योंकि ये हेरिटेज हमने बचाना है। और अगर आप सोलर पैनलों पर लगाओगे
किनारे बांध दोगे इसके, किनारों की खूबसूरती मेंटेन रहेंगे, किनारे खूबसूरती होगी, और ये जो इनक्रोचमेंट, खासकर पत्रकार बंधुओं मैं आपसे कहना चाहता हूँ, याद रहना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करके कैमरे लेकर जाइए कि आप जो फोर लेनिंग यहाँ पर अखनूर रोड की बन रही है, कितनी ज़मीन इसकी नहर की जो है वो और बड़ी है वहाँ पर, और आप लोगों ने नज़र रख ली है, किसी वक्त भी माफिया शुरू कर लेंगे वहाँ पर उसको इनक्रोच करना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलके कोई ना कोई गिरदौरियाँ दे के उस जगह का पर कब्जे करना शुरू कर देंगे और जम्मू शहर का तहस नहस हो जाए। तो हमारी मांग ये है गवर्नमेंट से कि इमीडिएटली इसको संभालो, इसके किनारे संभालो और ये इनक्रोचमेंट से बचाओ। और अगला जुल्म यहाँ पर एक और हो रहा है जो क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, वो ये है कि इस खूबसूरत, इस शानदार और इस कीमती नहर के अंदर, जिसका पानी मैं कहता हूँ उसकी कोई कीमत ही नहीं, इसके अंदर शहर की नालियों का, गंदी नालियों का पानी डाल रहे हैं, जो क्रिमिनल एक्ट है। ये फौरन बंद करें ताकि यहाँ पर इस नहर के पानी के अंदर पॉल्यूशन ना हो। और फिर अगली बात आपको बताऊँ, बहुत बड़ा स्कैंडल यहाँ हो रहा है, ये शायद कोई पॉलिटिशियन उस तरफ नहीं देख रहा, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, मुझे तो ये शक है कहीं मिल मिला के ना काम हो रहा हो। वो ये हो रहा है कि ये जितना इसके अंदर सिल्ट है, कोई डिसिल्टिंग नहीं हो रही, और वहाँ पर वो सिल्ट जमी हुई है और रोज़ पैसा निकल रहा है, हर साल पैसा निकल रहा है, वो वक्त पर सिल्ट डिसिल्टिंग होनी चाहिए और वहाँ से बाकायदा तौर पर, ताकि ये पानी टेल एंड तक पहुँचे। मैं आपको बता दूँ कि ये आज इस नहर का पानी टेल एंड तक नहीं जा रहा है, यहाँ तक नहर गई है, वहाँ जाने से पहले ही पानी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि साइडों पर निकल जाता है, खेतों में निकल जाता है, क्योंकि वहाँ सिल्टी सिल्ट है इसके अंदर। तो इसकी डिसिल्टिंग प्रॉपर ढंग से ये है, ये करना इसकी ज़रूरत है।